कितनी एक्साइटेड हैं आप ये बताइए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है बॉलीवुड में। समझ गए आप, इसीलिए मैंने इनको खड़ा किया। मैं बहुत टाइम से अपने बॉलीवुड डेब्यू का वेट कर रही हूँ, फाइनली आज हो रहा है, तो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड एंड आई एम मोर ग्लैड बिकॉज आई एम गेटिंग टू वर्क इन सच अ गुड बिग बैनर विद मनोज सर एंड द इंटायर स्टेलर कास्ट विच इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड सर आप क्या कहना चाहेंगे? सी मेरे लिए क्या है कि हर फिल्म जो मैं लेता हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब होती है, और अगर अच्छी फिल्म नहीं लगती है तो मैं घर पे बैठता हूँ और फिर मैं कुछ और काम करता हूँ। तो ट्रैफिक जो है बहुत सोच समझ के मैंने किए थे, और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला इस फिल्म को, जो इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला, और आई नो वन थिंग कि ये हमारा किया धरा नहीं है, समवेयर राजेश पिल्ले जो जिनकी आत्मा जो है वो हमको बहुत पुश कर रही है, वो हमको जो है इनकरेज कर रही है, और वो सारा अपना काम कर रही है। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ में न्यू कमर्स जो हैं वो एक अलग तरीके की एनर्जी, अलग तरीके का जो है इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, जैसे रिचा है, अमोल है, यू नो ऑल ऑफ दिस गाइज, दिव्या उन्नी, विशाल सिंह, निकिता, यू नो ऑल ऑफ दिस गाइज, ये मेरे दोस्त हो जाते हैं। बाकी 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 लोगों को मैं पीछे छोड़ देता हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है मुझे इनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इनको खड़ा किया है कि आप लोगों के सामने, क्योंकि इनके पास नई चीज़ें हैं कहने क्योंकि उन्होंने ही ये सारी मेहनत की है, ये सारा बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आप मिस करेंगे। उनके फैमिली अभी आई हुई है और आप बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया परफेक्शनिस्ट आदमी थे, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो, क्योंकि इन सब चीज़ों पे, और काफ़ी अडोरेबल थे, प्यारे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। करप्शन के बारे में कुछ बता दें, ट्रैफिक करप्शन के बारे में, ये करप्शन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानियत के बारे में, ये हम सब की जिम्मेदारी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, हम लोग को ऐसा बिल्कुल रियलाइज ही नहीं करते कि हम न्यू कमर हैं सर, हमेशा हम लोग को यू नो हमेशा हम लोग को आगे रखने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने मेरी वैसे पहली फिल्म है, लेकिन मैंने मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी फर्स्ट मूवी में इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, यू नो दिव्या मैम के साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अमोल सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके। आप रिचा मैडम तो मतलब कमाल ही, आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, जो हाई मिलता है ना एक एक्टर को एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बन के, वो मिल रहा है, और अभी परसों हमने एक साथ पहली बार ये फिल्म देखी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम श्योर लोग इसको बहुत प्यार देने वाले हैं, सो वी नीड ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव, एंड वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट। सलमान ने किया, शाहरुख ने किया, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। जॉन ने आज किया है, जॉन अब्राहम ने, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हमें लगातार मिलता रहा है। एंड मैं ये मानता हूँ कि हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलेंगे, और एक दूसरे के अच्छे काम को हम अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये इंडस्ट्री और भी अच्छी होगी, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इस मूवी के जरिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि इंसानियत सबसे ऊपर है, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार से बढ़कर इंसानियत है। अगर आप हम सब में इंसानियत हो, हम सब एक दूसरे का, अब जो इस समाज में लोग रहते हैं उनके बारे में सोचें, एक दूसरे के बारे में सोचें, जो हम सारे समाज में रहते हैं, सिर्फ परिवार के होकर ना रहें, समाज के होकर रहें, तो ये समाज बहुत आगे जाएगा, परिवार भी आगे जाएगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारे कुछ करीबी दोस्त और कास्ट एंड क्रू के लिए ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि हम एक को बुलाएंगे तो बाकी लोग बुरा मान जाएगा, और हमारे पास समय नहीं था, और सब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे थे हम, तो आज जो देखेंगे, अब आज हमसे ही काम चला लीजिए, सलमान शाहरुख नहीं आता।